राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिवाज बदलने के लिए गारंटी योजनाएं और 19 नए जिलों की घोषणा करते हुए मास्टर स्ट्रोक खेला, लेकिन मोदी की आंधी में सबसे बड़ा माने जाने वाला यह दांव भी फेल हो गया। कांग्रेस को इस बार 69 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। राजस्थान में लंबे समय से नए जिलों की मांग चल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए गहलोत ने अपने आखिरी बजट सत्र में नए जिलों की बारिश करते हुए बड़ा दांव खेला था। गहलोत ने न सिर्फ 19 नए जिले बनाने की घोषणा की, बल्कि इसे अमली जामा भी पहनाया। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी गहलोत का यह दांव इस चुनाव में बुरी तरह फेल हो गया। जयपुर जोधपुर को छोड़कर 16 नए जिलों को लेकर सियासत में यही माना जा रहा था कि कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन यह मिथक साबित हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि 16 नवगठित जिलों में से कांग्रेस केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई, जबकि 12 जिलों में बीजेपी और 2 जिले में निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना कब्जा जमाया। तो आइए बताते हैं नए जिलों में चुनावी गणित कैसा रहा। गहलोत ने बजट सत्र के दौरान 19 नए जिले बनाकर राजस्थान की सियासत को हैरान कर दिया था। इस दौरान गहलोत ने कोटपुतली, बहरोड, सलुम्बर, निम्बाहेड़ा, शाहपुरा, डीडवाना, फलौदी, बालोतरा, अनूपगढ़, ब्यावर डीग, दुदू, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, गंगापुर सिटी और केकड़ी को नवगठित जिला बनाया। लेकिन इन सीटों पर जिले बनने के बाद भी चुनाव में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिला। इस चुनाव में अशोक गहलोत को 19 नए जिले बनाने का कोई फायदा नहीं मिला, जबकि सियासत में पहले यही माना जा रहा था कि यहां के लोगों का समर्थन कांग्रेस की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो नवगठित जिलों में अनूपगढ़ और गंगापुर सिटी 2 ऐसी विधानसभा है जहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि बाकी 14 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इन आंकड़ों से साफ जाहिर हो गया है कि गहलोत का मास्टर स्ट्रोक पीएम मोदी के आगे बेअसर साबित हुआ। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।